हमारा आज का जो चैप्टर है वो है प्रोपोर्शन। लास्ट टाइम हम लोगों ने रेशो पढ़ा था। प्रोपोर्शन हमारा सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, वन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में ये लाजमी आता ही आता है। इस दफा सीएसएस 2022 के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, ये आ सकता है प्रोपोर्शन। सीएसएस में 2017 और 2020 में आ चुका है और वन पेपर हर क्वेश्चन में आता है, हर पेपर में आता है। वन पेपर में आप किसी भी पेपर में बैठे हुए हैं, वन पेपर में जहां पे भी आप जाएंगे ये हमेशा आप लोगों के पेपर में जरूर आएगा प्रोपोर्शन। इसकी पहचान ये है कि हम लोग ये पेपर को, पेपर जो आप लोग बैठे क्वेश्चन आता है कि इतने लेबर है, इतने मजदूर हैं, इतने दिन में काम को कम्प्लीट करना है। अगर इतने मजदूर कम हो जाए या इतने मजदूर बढ़ा दिए जाए, या इतने दिन अगर कम हो जाए तो हमें कितने मजदूर हमें चाहिए होंगे, या अगर इतने मजदूर में कम कर दूं बढ़ा दूं तो ये काम कितने दिनों में जाके कंप्लीट होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये प्रोपोर्शन में आते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। प्रोपोर्शन में आपके पास दो तरह के रिलेशन होते हैं। एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, जिसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। एक होता है इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशन, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसी तरह एक की वैल्यू कम होगी तो दूसरी की भी कम हो जाएगी। यानी इसमें एक जैसा रिलेशन रहता है कि अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर एक की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। एक जैसा रिलेशन है। इसमें क्या होगा, इसमें यार वो आप लोग इस तरह आप लोग लगाते हैं, दोनों एक जैसे यार, दोनों ऊपर, ठीक है। इसमें आप दोनों डाउन अप नहीं लगाते, दोनों ऊपर। अच्छा, जबकि इसके बरक्स इनवर्स रिलेशन क्या होता है, अगर एक शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरह अगर एक की वैल्यू कम होगी तो दूसरी की बढ़ जाएगी। ये टोटली एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अब इसमें एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, एक की कम होगी दूसरी बढ़ जाएगी। इसमें आप लोग एरो इस तरह लगाते हैं कि एक अगर एरो अगर ऊपर है तो दूसरा एरो नीचे की तरफ हो, ठीक है। जो डायरेक्ट रिलेशन है उसकी एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं, लेबर एंड प्रोडक्शन, या टाइम एंड प्रोडक्शन, लेबर एंड प्रोडक्शन मतलब लेबर ज्यादा करोगे लेबर बढ़ाओगे प्रोडक्शन भी आपको अच्छी आपको मिलेगी, लेबर कम करोगे प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स अगर ज्यादा होंगे मेरे प्रोडक्शन अच्छी होगी, स्टूडेंट्स कम होंगे तो प्रोडक्शन भी कम होगी। टाइम एंड प्रोडक्शन में भी यही है कि अगर मैं एकेडमी को अगर टाइम अगर अच्छा दूंगा मुझे प्रोडक्शन अच्छी मिलेगी, मैं टाइम अगर कम दूंगा प्रोडक्शन, मैं एकेडमी को टाइम में नहीं दूंगा मेरे प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो ये दोनों जो रिलेशन है ये दोनों रिलेशन डायरेक्ट आते हैं, जबकि लेबर एंड टाइम, लेबर और टाइम जो है ये इन्वर्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मजदूर आप ज्यादा बढ़ाओगे ना वो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई मजदूर अगर आप कम आप करोगे तो टाइम ज्यादा देर से खत्म होगा, यानी कि ज्यादा उस पर टाइम लग जाएगा। एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो जाएगी, लेबर बढ़ाओगे काम जल्दी खत्म, आपने के काम को लगाया हुआ घर को बनवा रहे हैं वहां पे मजदूर आप ज्यादा बढ़ाओगे काम जल्दी खत्म हो जाएगा, मजदूर कम करोगे तो टाइम ज्यादा देर लगा देंगे, वो लेट खत्म होगा। तो इसका मतलब इसमें आपका आएगा लेबर एंड टाइम इनवर्स में। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोपोर्शन आ रहा है, प्रोपोर्शन में हमारे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन यूज होंगे। एक तो आपको मैंने बता दिया लेबर भी होगा, टाइम भी होगा, प्रोडक्शन भी होगा। इसको हम लोग सेपरेटली लिख भी लेते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन यूज होंगे। सबसे पहले इसमें कॉम्बिनेशन होगा लेबर। अब लेबर में हम लोग देखते हैं क्या क्या इंक्लूड होता है। लेबर में वर्कर आएंगे, पर्सन आएंगे, मैन, वोमैन, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट, टीचर्स, सोल्जर्स, डॉक्टर, नर्सेस, यानी कि एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन का कोई भी मेल फीमेल वर्कर पर्सन, वो सारे आपके लेबर में इंक्लूड होंगे, किसी भी प्रोफेशन, एनी प्रोफेशन, ठीक है। यानी कोई भी वर्किंग जो कर रहा है वो लेबर में आएगा। नेक्स्ट है टाइम, टाइम अंडरस्टूड है, आवर्स भी आ सकते हैं, मिनट भी, सेकंड भी, डेज, वीक्स, मंथ और ईयर, ठीक है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो, वर्डिंग यूज कर ले, डैकेट भी यूज कर सकते, पर यहाँ तक ही। एक तीसरा इसमें कॉम्बिनेशन होगा प्रोडक्शन का। भाई ये तीन कॉम्बिनेशन पे ये पूरा चैप्टर आपका चलेगा प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में तो बहुत बड़ी फील्ड है, कोई भी आपकी चीज कोई भी बने प्रोडक्शन है, चाहे वो प्लास्टिक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कुछ भी है वो प्रोडक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे प्रोडक्शन या कंजम्पशन, दोनों प्रोडक्शन में आएंगे। हम लोग ये लिखेंगे कि अदर देन लेबर एंड टाइम, लेबर और टाइम के अलावा जो भी आएगा विल बी कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन। लेबर और टाइम के अलावा जो भी आएगा ना उसको आप लोगों ने प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इन तीनों के आपस में रिलेशन हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं, इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या क्या होता है। सबसे पहले लेबर और टाइम का रिलेशन क्या होता है, हाँ जी क्या होता है मुझे को बताएगा, लेबर और टाइम का रिलेशन क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। सर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ये आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन। ओके दूसरा हम लोग ये पढ़ते हैं जी, लेबर एंड प्रोडक्शन। लेबर एंड प्रोडक्शन होता है
डायरेक्ट रिलेशन। और तीसरा होता है टाइम एंड प्रोडक्शन। टाइम एंड प्रोडक्शन होता है डायरेक्ट रिलेशन। आप लोगों ने सिंपली बस ये तीन रिलेशन में याद रखे हैं, ये मैं और हमेशा चौथा जो है वो मैं टाइम एंड स्पीड का नहीं कर सकते, वो गाड़ी के जो क्वेश्चन आते होते हैं। नहीं, वो उस चैप्टर में अलग आएगा, वो इसको हम लोगों ने इस चैप्टर में नहीं लेके आना, वो आपका फिर मिक्स हो जाता कंसेप्ट, ये हमारा अलग चैप्टर है। ये हमेशा मैं स्टूडेंट्स को मजे में कहता हूँ कि ये तीन रिलेशन अगर आप लोगों को याद होंगे तो कभी भी आप लोगों का क्वेश्चन इंशाल्लाह गलत नहीं हो सकता, ये सिर्फ आप लोगों ने तीन रिलेशन पर याद रखे हैं। लेकिन अगर ये तीन रिलेशन में से आपको कोई रिलेशन पर अगर याद नहीं रहा, अगर आपको भूल गया या आपका कंसेप्ट अगर उसका सही नहीं है, तो फिर कभी भी आपका क्वेश्चन आपका ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि मेन ये तीन रिलेशन से आप लोगों का पूरा चैप्टर आपका चलेगा। इसमें आप लोगों ने एरो अपने लगाने, कोई एरो ऊपर लगेगा, कोई एरो नीचे लगेगा। अब ऊपर क्यों लगेगा, नीचे क्यों लगेगा, उनकी बुनियाद क्या, उनकी बुनियाद ये तीन रिलेशन, बस ये आपको बजा दो। आप लोगों ने ये रिलेशन अपने बिल्कुल सामने रखे हैं, अभी हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। इन्हीं तीन रिलेशन की वजह से आप लोगों के पूरे चैप्टर इंशाल्लाह सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर वन की तरफ चलते हैं। प्रोपोर्शन ये आप लोगों का, मैं आपको बताता हूँ पेज नंबर क्या है। ये आप लोग की पेज नंबर आ जाए 24 पे। ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में कहता है इफ 16 वर्कर्स कैन फिनिश द जॉब इन 3 आवर्स, अगर 16 वर्कर्स एक काम को 3 घंटे में कंप्लीट करते हैं, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक 5 वर्कर्स टू फिनिश द सेम जॉब। पहले जो तो तीन चार क्वेश्चन वो मैंने आसान से डाले हुए हैं, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। कहता है अगर 16 वर्कर अगर एक काम को 3 घंटे में कंप्लीट करते हैं, 5 वर्कर उस काम पे कितनी देर लगा देंगे, कितना टाइम लगा देंगे। अब आपके पास दो इसमें रिलेशन आ रहे हैं, वर्कर और टाइम। इसको कहते हैं सिंपल प्रोपोर्शन, जिसमें दो रिलेशन आते हैं उसको क्या कहते हैं, सिंपल प्रोपोर्शन। और जिसमें आपके पास तीन तीन रिलेशन आते हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो ये अभी सिंपल प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। अब इसमें आपने ये देखना है कि जो वैल्यू मालूम करनी है ना, इसको हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो वैल्यू सर, ये जो कॉन्सेप्ट सिंपल प्रोपोर्शन का, ये इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट दोनों दोनों के लिए, है। दोनों के लिए, हाँ जी, बस सिंपल। दो अगर वैल्यू है तो सिंपल, दो से ज्यादा तीन है तो कंपाउंड प्रोपोर्शन। जो वैल्यू मालूम करनी है उसे हम राइट पे लिखते हैं और उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ फिक्स रखें। ये आप लोगों ने इसमें दो चीजें आपने याद, अभी आपको मैं करूंगा, अभी आपको दोबारा याद हो जाएगा। जो भी वैल्यू मालूम करने उसे एक तो राइट पे लिखना क्योंकि इज इक्वल टू दूसरी साइड पेगा, और दूसरा इसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ फिक्स रखना। मुझे आप ये बताएं क्वेश्चन नंबर वन में हमने क्या मालूम करना है, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक, तो हमने क्या मालूम करना है, टाइम। सर इसमें और मालूम इसका मतलब हम लोगों ने टाइम। टाइम को हमने राइट साइड पे लिखना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वर्कर और राइट पे हम लिखेंगे और टाइम।
अब हम इसमें फिलिंग निकाल लेते हैं, 16 वर्कर्स 3 घंटे कंप्लीट करते हैं, 5 वर्कर्स कितनी देर लगा देंगे एक्स। ये हम लोगों ने इसको फिल कर दिया कि अगर 16 वर्कर 3 घंटे काम कंप्लीट करते हैं, 5 वर्कर कितनी देर लगाएंगे एक्स। अब जो वैल्यू मालूम करने से हम राइट पे, ये राइट पे तो हमने लिख लिया टाइम, उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ फिक्स रखना है, इसका एरो हमेशा अपने ऊपर की तरफ फिक्स कर देना है। ये आप लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखे, ठीक है। अच्छा, अब टाइम आता है इसका रिलेशन चेक करने का। अब यहाँ पे कौन से दो कॉम्बिनेशन है, वर्कर एंड टाइम। वर्कर और टाइम का रिलेशन क्या होता है जी, ये हम लोगों ने पढ़ा था, लेबर और टाइम, वर्कर और टाइम हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अगर एरो अगर ऊपर है तो ये एरो फिर नीचे चला जाएगा। हम लोगों ने वैल्यू को नहीं देखा, हम लोगों ने ये नहीं कहना कि जी वैल्यू कम हो रही है तैरो नीचे कर दो, वैल्यू बढ़ रही है तैरो ऊपर कर दो, ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने इनके रिलेशन को चेक करना, टाइम और वर्कर का रिलेशन इन्वर्स है ना, एरो नीचे कर दो। अगर यहाँ पे रिलेशन अगर डायरेक्ट आएगा एरो ऊपर कर, वजह वजह याद रखना। कभी भी इंशाल्लाह दीद आप लोगों को कोई वैल्यू को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, सिर्फ आप लोगों ने ये तीन रिलेशन बजे याद रखना। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, यहाँ से एरो शुरू है ना, ये यहाँ से 16 को ऊपर रखें इज इक्वल टू, यहाँ से एरो शुरू है ना, एक्स को ऊपर रखें, यानी के आपने याद रखना है जो टेल वाली वैल्यू होगी ना, टेल जहां से एरो शुरू होगा उसको आप लोगों ने ऊपर रखना है। यहाँ से एरो शुरू है 16 ऊपर, एक्स से एरो शुरू है तो एक्स ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5x is equal to 16 तरफ 3, 5x is equal to 48, x equals to 48.5, x equals to 9.6. ठीक है जी, ओके, क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया जी सर। सर वो सिंपल और कंपाउंड का भी लिखते हैं सर इधर साइड पर जी। बेटा ये सिंपल आपको मैंने बताया ना, ये सिंपल इसमें कंसेप्ट नहीं है, वो वैसे आपको मैं बता रहा हूँ, जिसमें दो वैल्यू आ गई वो सिंपल है, जिसमें तीन आ गई वो कंपाउंड, ठीक है। मुझे क्वेश्चन नंबर 3 करके दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 मुझे करके दे, क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम जी क्वेश्चन इसी तरह का 3 मुझे रखो सॉल्व करके दे, थैंक यू। अभी 2 नहीं करना, पहले 3 करना है। जी आप लोगों का क्या आंसर आया इसका क्वेश्चन अच्छी का, ओके अरीब शाबाश बेटा आपने कर लिया, गुड। रिमशा आपका भी ओके, ठीक है शाबाश बेटा, इसका आंसर आना चाहिए आपका 54। इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये कहा था 30 मेन 45 डेज में खाना कंज्यूम करते हैं, तो बताएं वही खाना 25 बंदे कितने दिनों में कंज्यूम करेंगे। आप कितने दिनों में, इसमें भी आप लोगों ने डेज मालूम करने, तो उसमें आप लिखेंगे मेन एंड डेज, पहले मेन है 30 मेन और डेज कितने हैं 45 डेज, और अब ये कहता है अगर 25 अगर मैन हो जाए कितने डेज होंगे एक्स, ठीक है। इसका एरो हमेशा ऊपर तरफ फिक्स रखना है। एक तो आप लोगों ने ये बात याद रखना है कि जो एक तो आप लोगों ने जो मालूम जो करना है ना, जो मालूम जो करना है उसको आप लोगों ने राइट साइड पे लिखा। अब इसका एरो आप लोगों ने ऊपर की तरफ आप लोगों ने फिक्स कर दिया। अब इसका एरो रिलेशन मालूम करना आप लोगों ने, मैन और डेज का रिलेशन क्या होगा, मैन आएगा लेबर में, डेज टाइम में, लेबर एंड टाइम हमेशा इनवर्स होते हैं, ये इनवर्स की वजह से एरो नीचे चला गया।
यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ, 30 को ऊपर रखे, ओवर 25, यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ, एक्स को ऊपर रखे, एक्स ओवर 45। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले आप इनको कैंसिल अप कर दें, 5 6 5 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, गलती से 2 लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आ जाएगा, 6 upon 5 = x over 45। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5x = 6 into 45, और 5 का आपको आप डिवाइड अप कर दें, 6 into 45 upon 5, 5 9 are 45, 9 6 are 54, यानी के 54 डेज आपका राइट आंसर। इसके 2 वाले आगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों ने इनको खुद आपके ट्राई करना है। अभी आपको एक क्वेश्चन मैं करके देने लगा हूं, 3 3 वैल्यूज वाला, उसको आप लोगों ने किस तरह करना है उसको अभी आप लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, इसमें आपके पास 3 3 वैल्यूज वाले क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 5 वर्कर 60 मीटर की दीवार बनाते हैं एक दिन के 2/3 हिस्से में, 2/3 of a day, 2/3 of a day, एक दिन के 2/3 हिस्से में 5 वर्कर 60 मीटर की दीवार बना। अब इसमें देखें, अब इसमें आपके पास 3 3 वैल्यूज आ रही हैं, जिसको हम लोग कंपाउंड प्रोपोर्शन कहेंगे। अब कहता है कि 3 more workers स्टार्ट वर्किंग, अगर 3 और भी वर्कर उनके साथ काम में शरीक हो जाएं, हाउ मच टाइम इन आवर्स दे विल टेक टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ 50 मीटर, तो वो 50 मीटर की दीवार बनाने में कितना टाइम लगा देंगे। अब इसमें भी अब आप लोगों ने टाइम मालूम करना है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आप लोगों ने टाइम ही मालूम करना हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन में अगर 9 देखें, 9 में कहता है 25 टेलर्स कैन मेक 35 ड्रेसेस इन वन डे, हाउ मेनी ड्रेसेस कैन 6 टेलर्स मेक इन 5 डे, हाउ मेनी ड्रेसेस। अब वहां पे अब आप लोगों ने ड्रेसेस मालूम करना है, तो ड्रेसेस को आप लोग राइट साइड पे लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक में आप लोगों ने टाइम ही मालूम करना है, लेकिन ये मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके अंदर आप लोगों ने टाइम मालूम करना है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने टाइम मालूम करना है, तो टाइम को मैं राइट साइड पे लिख लूं, जो वैल्यू मालूम करना है उसको हमने राइट साइड पे लिखना है टाइम, वर्कर और वॉल। आप लोग यहाँ पे चाहे वॉल को इधर लिख के वर्कर को इधर लिख दें, वो कोई इशू नहीं है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन जो वैल्यू मालूम करना है उसको आप लोगों ने राइट साइड पे ही लिखना है, ये आप लोगों ने याद रखना। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, कहते हैं 5 वर्कर्स हैं, वर्कर 5 हैं, 60 मीटर है, ये 60 मीटर वॉल आ गए, 2/3 of a day, एक दिन के 2/3, ये एक दिन का 2/3 ऐसा कितना बनेगा, ये बनेगा 2/3 of a day, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 hours, तो ये कितना बनेगा, 3 8 are 24, 8 2 are 16, यानी कि अगर एक दिन का अगर हम 2/3 ऐसा देखें तो ये 16 घंटे बनते हैं, 16 आवर्स बनते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 × 2/3, ये आप लोगों का बनेगा 16 आवर्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने इसको आवर में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि आगे क्वेश्चन में पूछा गया ना, हाउ मच टाइम इन आवर्स, घंटों में अगर देखा जाए तो कितना टाइम लगेगा। अब ये कहते हैं 3 more workers, अगर 3 वर्कर और भी आ जाए, पहले 5 थे तो अब हो जाएंगे 8, कहते हैं 50 मीटर की अगर दीवार बनानी हो 50 मीटर कितना टाइम लगेगा एक्स, ठीक है। अब आप लोगों ने इसमें टाइम आपने फाइंड, अब पहला रूल एक जो ये हो गया कि जो वैल्यू मालूम करना उसको हमने राइट साइड पे लिख लिया, दूसरा रूल क्या है, जो वैल्यू मालूम करना उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ फिक्स कर देना, ये हमने फिक्स कर दिया। अब क्या करना है, अब आप लोगों ने इसके रिलेशन चेक करने हैं। आपको पता है टाइम और वर्कर का रिलेशन क्या होता है, क्या होता है, इनवर्स, इनवर्स की वजह से
एरो नीचे चला गया। अब आप मुझे बताएं कि टाइम और टाइम और वॉल का रिलेशन क्या होगा, ये वॉल किस में आती है? प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में आती है, शाबाश। टाइम और प्रोडक्शन का रिलेशन क्या होगा? डायरेक्ट। डायरेक्ट की वजह से आप इसका एरो भी आप ऊपर कर दें। ये मैंने आपको ये बताया था ना, बस आप लोगों ने ये तीन रिलेशन याद रखे। अब इन रिलेशन में आप देख लो, मैं को वैल्यू नहीं देख रहा कि वैल्यू कम हो रही है या वैल्यू बढ़ रही है। आप में से भी शायद कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी पेपर के अंदर ये वाले क्वेश्चन दे के आए होंगे, और आप लोग हमेशा हमेशा आप लोग वैल्यूज को देखते होंगे कि यार ये वैल्यू कम हो रही है, ये वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू बढ़ेगी तो इसका एरो नीचे चला जाएगा, वैल्यू कम होगी इसका एरो नीचे, इसका एरो ऊपर चला जाएगा। आप इंशाल्लाह आपको किसी क्वेश्चन में आप लोगों को ये वैल्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है। आप लोगों ने सिंपली बस ये तीन रिलेशन देर में याद रखने हैं, टाइम और वर्कर इनवर्स, टाइम लेबर इनवर्स, टाइम और प्रोडक्शन भी डायरेक्ट और लेबर प्रोडक्शन का। बस आप लोगों ने ये तीन रिलेशन में याद रखनी। एक और चीज आपने याद रखनी है, जब आप तीन वाली वैल्यू में आते हैं ना, आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है, ये जो वैल्यू आप लोगों ने फिक्स की हुई है ना, ये वाली, इसका मकसद ये है कि आप लोगों ने इसके साथ एरो रिलेशन चेक करना है, यानी कि इसी के साथ इसको चेक करना है, इसी के साथ आपने इसको चेक करना है। कभी भी इन दोनों को आपस में चेक नहीं करना। आपस में चेक करोगे आपका क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोग इसका एरो ऊपर इसी वजह से रखते हो, आप लोगों ने इसके रिलेशन चेक करना। ठीक है, आप ये देखिएगा, यहां से एरो शुरू हुआ, 50 को ऊपर रखें। जब आपके पास जब तीन तीन वैल्यू आते हैं, फिर आप दरमियान में लिखते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, यहाँ से एरो शुरू हुआ, इसको आप ऊपर आप लिखें, ये हमेशा इज इक्वल टू की दूसरे साइड पे जाएगा एक्स वाली वैल्यू, यहाँ से एरो शुरू हुआ, एक्स वन आपकी इक्वेशन बन गई। मतलब आप कह लें कि आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 0 0 कैंसिल, 5/6 इंटू 5/8, 5/6 से या 5/8 से कैंसिल तो नहीं होता ना, कैंसिल करना हो तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इससे मल्टी, इनको कहते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। 5 5 बार 25, 6 8 बार 48, 16 को आप इधर ला इधर आके दरब कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, उधर एक्स अकेला रह गया। 16 1 दार 16 3 दार होता है 48। अगर तो 16 का पूरा टेबल नहीं आता, 2 का टेबल ले जाए, 4 का ले जाए, 6 का ले जाए, 8 का ले जाए, जो आपको आता है 8 का टेबल इस पर बेशक लगा दें। तो ये आपका x की वैल्यू आ गई 25/3। 25/3 का मतलब 8.3 आर आपका राइट आंसर। ठीक है जी, ओके, आई होप तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों ने अभी मुझे करके देना है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों का ये चैप्टर तकरीबन आपका पूरा आपका कंप्लीट आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसके बाद आपको मैंने एक क्वेश्चन आपको मैंने और समझाना है, और वो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, वो डिफरेंट आपको मैं खुद में समझाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे जरा क्वेश्चन नंबर 4 तक करके दें, शाबाश जी। सर ये अगर 8.3 आवर्स हैं, इनको मिनट्स में चेंज करना हुआ या 8.3 आवर्स को मिनट्स में अगर चेंज अगर करना हुआ तो 8.3, उसने मिनट में वैसे पूछा नहीं है, 8.3 का मतलब क्या होता है, 8.3 का मतलब ये 8 आवर कंप्लीट है, और ये 0.33 का मतलब 8.33 आ रहा है, 0.33 का मतलब होता है 100 का तीसरा हिस्सा। अब यहाँ पे 100 की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आवर की बात हो रही है, तो 1 आवर का तीसरा हिस्सा कितना होता है, 20 मिनट्स। ये आपके बनेंगे 8 आवर एंड 20 मिनट्स, यानी आप ये कह लें कि 8 आवर कंप्लीट है, और आगे 0.3 का मतलब 1 घंटे का तीसरा हिस्सा, 0.3 मिलके 1 कंप्लीट करते हैं ना, तो 0.3 का मतलब 1 घंटे का तीसरा हिस्सा वो आपके 20 मिनट्स। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर मुझे 4 करके दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम ये चीज है, शाबाश मुझे सॉल्व करके दें, थैंक यू। कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर फोर में भी इसी तरह आपको बहुत वो तीन तीन वैल्यूज बता रहे हैं। कहता है कि 30 मैन 200 केजी खाते हैं 10 डेज में, 45 मैन 400 केजी कितने दिनों में कंज्यूम करेंगे, डेज और मैन और वीट। सबसे पहले उसने 30 मैन और 200 केजी है और ये कंज्यूम कर रहे हैं 10 डेज में। वो ये कहता है अगर 45 अगर मैन हो जाए और अगर 400 अगर केजी हो जाए कितने दिन इस्तेमाल होंगे। इसका एरो आपको पता है ऊपर। अब आप इसको चेक करो डेज और मैन इनवर्स और डेज और वेट। वेट आती है प्रोडक्शन में, डेज और वेट डायरेक्ट। ठीक है, ये आ जाएगा 400 से एरो स्टार्ट हुआ, यहाँ से 400 ओवर 200 मल्टीप्लाइड, यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ 30/45 इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट हुआ x अपॉन 10। ठीक है, देखें डबल जीरो से कैंसिल। 15 का टेबल अगर आता है 15 दो और 15 तीन और ये दो दो से कैंसिल। देखिए कितना क्वेश्चन आसान हो गया, ये सिंपली बन गया 4/3 और ये बन गया x ओवर 10। ये बन जाएगा 3x = 40, x = 40/3, तो ये आपका आ जाएगा 13.33 डेज आपका राइट आंसर है। ये था आप लोगों का बेसिक जिसको कहते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है ना, मैंने आप लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया। आगे क्वेश्चन जब आप लोगों ने खुद ट्राई करने, अभी जब आप लोगों की मीटिंग एंड होगी ना उसके बाद अभी आप लोगों को मैंने दो टेक्निकल क्वेश्चन आपको मैंने करवाने हैं, टेक्निकल जो कि आप कह लें कि CSS के पेपर में भी आए हुए क्वेश्चन और आप लोगों के AD लेवल के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो क्वेश्चन अभी आपको मैं करवाने लगा हूं। अभी आप लोग मुझे एक दफा दोबारा ज्वाइन कीजिएगा लीव करके, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है ना कि पेपर में अगर आ जाए तो हम लोगों ने अटेम्प्ट कैसे करना है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आए। ठीक है, अभी आप लोग मुझे एक दफा लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, अभी आपको मैं इंशाल्लाह वो समझा दूं इसके जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। मुझे दोबारा ज्वाइन करें।